के मन में डिवोर्स के बारे में कोई बात नहीं थी, लेकिन मौली ने खुद ये बात छेड़ी और जब उससे रियलाइज़ हुआ कि कुणाल अभी मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता है, या फिर उसने ऐसा काम किया है जिसे अनडन नहीं किया जा सकता, सो दैट इज़ वाई शी डिसाइड्स कि मुझे डिवोर्स चाहिए। वो मुझे बताती भी नहीं, सीधा यहाँ बुलाती काम नहीं करती और डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल कर देती है। आई एम रियली स्टंट, समझ में नहीं आता है कि क्या करें और मुझे पता भी नहीं है कि घर वालों को पता है इस बारे में, नहीं पता है। शी इज़ नॉट थॉट ऑफ डिवोर्स और एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट कि हाँ अभी पता है एक टेंस सिचुएशन है, उसे हैंडल कर लेंगे आगे जाके, तो उसके लिए भी एक शॉकर है। बट फाइनली व्हाट दैट्स व्हाट मौली वांट्स, सो ही एक्सेप्ट्स इट। या शी ऑल्सो सीज नंदिनी कि नंदिनी इतनी पागल हो चुकी है कुणाल के प्यार में, इतना प्यार तो शायद मौली ने भी नहीं किया था नंदिनी, दैट्स व्हाट शी रियलाइजेस। इसलिए वो ये सोचती है कि ये दोनों इतना प्यार में पागल हैं और मैंने बिना बात किए उसके बाद में हटी बताया, सो माइट एज वेल आई गो आउट ऑफ देयर लाइफ्स। And that's how finally we filed the divorce application, on which judge ये कहते हैं कि since it is दोनों के consent के साथ हो रहा है तो इसलिए एक महीने का एक waiting period होता है, अगर consent किसी एक का भी नहीं हो तो 6 महीने का waiting period होता है, ऐसा मुझे सुनने में आया। So तो 1 महीने का waiting period देते हैं और उस 1 महीने में हम देखेंगे कि मौली और कुणाल एक दूसरे के पास वापस आ सकते हैं कि नहीं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए देखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्टेड डिजैक्टली डोर और क्लब सैंडविच सब बन चुका हूँ मैं। सबसे ज़्यादा काम भी मैं ही करता हूँ सेट पे, क्योंकि पहले मुझे नंदिनी के जाके संभालना पड़ता है, फिर राजदीप को संभालना पड़ता है, फिर मौली को संभालना पड़ता है, फिर घर वालों को संभालना पड़ता है, सो आई एम लाइक वर्किंग ओवर टाइम एवरी डे। बट हाँ, सब जगह से